आपने कल ई गवर्नेंस के बारे में बताया था है ना। मैंने अपने वालिद से कहा तो आज वह मुझे लाइब्रेरी ले गए। वहाँ मैंने ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइजेस सूट की किताब पढ़ी। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं, मैंने अभी तक पंचायत इंटरप्राइज सूट के बारे में नहीं पढ़ा है नूर। क्या आप मुझे इसके बारे में बताओगी? मैं बताऊंगी, लेकिन मैं गांव वालों को भी यह मालूमात देना चाहती हूँ। आइए सरपंच काका से बात करें और तमाम गांव वालों को जमा करें ताकि तमाम गांव वालों को ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में अच्छी तरह जान सके। हाँ नूर, चलो सरपंच काका के पास चलते हैं। हम वहाँ जाते हैं और तमाम गांव वालों को ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइज सूट के बारे में बताते हैं। तमाम गांव वाले अब जमा हो गए हैं, तो आए वसीम, चलो सेशन शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन मैं चुटकी के वालिद को नहीं देखा। अरे वो रहे, चलो अब बताओ। हाँ, मैं बताती हूँ कि आप सब इस सेशन को गौर से सुनेंगे और अगर किसी को कोई सवाल है तो सेशन के इख्तिताम पर पूछें। इससे पहले मैं पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में बताऊंगी। आप लोग ई गवर्नेंस के बारे में जानते हैं? ई गवर्नेंस का लफ्ज दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। ई इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेटा इकट्ठा करने, डिजिटल मीडियम के जरिए मालूमात और डेटा भेजने, हुकूमती काम में तेज और मुनसिफाना फैसले लेने, गवर्नेंस में शफाफियत बढ़ाने वगैरह में मददगार और आसान साबित होती है। पंचायत इंटरप्राइज सूट PES ज़िले पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ग्राम पंचायत की सतह पर होने वाली कानूनी मीटिंगों की तफसीलात फराहम करता है और समाजी ऑडिट के लिए रिपोर्ट्स तैयार करता है। ये एक पोर्टल है जो फ़ायदा उठाने वालों की तरबियत की ज़रूरियात बशमूल शहरियों उनके जवाबात तरबियती मवाद वगैरह को पूरा करता है। पंचायती राज की वजारत ने ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का आगाज किया है ताकि मुल्क भर में पंचायती राज इदारों में ई गवर्नेंस मुतारिफ कराई जा सके, मजबूत बनाया जा सके और PRI की वाबस्ता सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत ई गवर्नेंस इकदामात और पंचायत इंटरप्राइज सूट को 11 बुनियादी मुश्तरका एप्लीकेशंस के साथ मुयस्सर तरीके से अपनाए यानी मुखिया के साथ पंचायत इंटरप्राइज सूट को चालू किया जा सके। ग्यारह कोर एप्लीकेशन सॉफ्ट प्रिया प्लस प्लान नेशनल पोर्टल पंचायत डायरेक्टरी गवर्नमेंट एक्शन सॉफ्ट कौमी डायरेक्टरी असासा प्रोफाइलर प्लस सर्विस मीटिंग मैनेजमेंट और ऑडिट सोशल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रीन मैप ये 11 बुनियादी आम एप्लीकेशन क्या है? बराए करम इसके बारे में तफसील से बताएं नूर। पंचायत 11 बुनियादी मुश्तरका एप्लीकेशंस पर मुश्तमिल है जो पंचायतों के काम काज के पूरे शोबे का अहाता करती है। यह अंदरूनी बुनियादी अफ़ाल जैसे मंसूबा बंदी, निगरानी, अमल दरामद, बजट साजी, अकाउंटिंग, समाजी आउट वगैरह से लेकर सिविल सर्विस की तरसील के काम जैसे सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह तक शामिल है। यह 11 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
मिलकर पंचायत इंटरप्राइजेस सूट की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में तफसील से वजाहत करती हूँ। पीडिया सॉफ्ट वाउचर इंदराज के जरिए रसीद और अखराजात की तफसीलात हासिल करता है और खुद ब खुद कैश बुक रजिस्टर वगैरह पैदा करता है। प्लान प्लस पंचायतों अर्बन लोकल बॉडीज और मुतालिका मुहक्किमों की वजन सालाना और एक्शन प्लान की तैयारी में मदद करता है। नेशनल पंचायत पोर्टल अवामी डोमेन में मालूमात बांटने में हर पंचायत के लिए मुतहर्रिक वेबसाइट। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी मकामी हुकूमतों के तमाम तफसीलात हासिल करता है और उन्हें मुनफरिद कोड्स तफवीज करता है। असेंबली और पार्लियामानी हलकों के साथ पंचायतों के नक्शे भी फराहम करता है। एक्शन सॉफ्ट मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत जिस्मानी और माली नताइज फवायद की निगरानी में मदद करता है। कौमी असासा डायरेक्टरी बनाए गए असासों का रिकॉर्ड बरकरार रखता है ताकि हर असासे को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। एरिया प्रोफाइलर गांव पंचायत की ज्योग्राफियाई आबादियाती साख्ती समाजी व इक्तसादी और कुदरती वसाइल की तफसीलात फराहम करता है। तमाम इलाकाई प्रोग्रामों के मंसूबा बंदी के लिए यूनिवर्सल डेटा बेस और मुंतखब नुमाइंदों वगैरह की तफसीलात भी फराहम करता है। सर्विस प्लस एक मुतहर्रिक मेटा डेटा पर मबनी सर्विस डिलीवरी पोर्टल जो तमाम रियासतों में तमाम खिदमात के इलेक्ट्रॉनिक तरसील फराहम करने में मदद करता है। साबिका शिकायत के अजाले की दरख्वास्त की फ़ालियत को भी इस दरख्वास्त में शामिल किया गया है। सोशल ऑडिट और मीटिंग मैनेजमेंट जिले पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ग्राम पंचायत की सतह पर होने वाली कानूनी मीटिंगों की तफसीलात फराहम करता है और सामाजिक ऑडिट के लिए रिपोर्ट्स तैयार करता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट ये एक पोर्टल है जो फायदा उठाने वालों की तरबियत की जरूरियात बशुमुली शहरियों उनके जवाबात तरबियती मवाद वगैरह को पूरा करता है। दरख्वास्त गांव का नक्शा गांव का नक्शा ग्राम पंचायत के सारिफिन के लिए ज्योग्राफियाई मंसूबा बंदी की दरख्वास्त है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों को बेहतर अंदाज में देखा जा सके और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए फैसला साजी का निजाम फराहम किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं इसके दूसरे वेबसाइट भी हैं जैसे दिगर वेबसाइट डैशबोर्ड ग्राम पंचायत तरक्की मंसूबा RGSA पंचायत अवार्ड पंचायत मुताला PISA IPKP ग्राम पंचायत तरक्की मंसूबा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान गांव की तरक्की और बुनियादी खिदमात के लिए एक साला मंसूबा है जो कि सरपंच पंच और देहात ने बनाया है। जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को दस्तयाब वसाइल के साथ शहरियों की जरूरियात और तरजीहात से मिलने की जरूरत है।
ई गवर्नेंस का मकसद फंड में तौसी के लिए बाख्तियार बनाना, पंचायत राज की हिमायत करना और अमला SPRC DPRC बनाना है। RGSA स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और ग्राम सभाओं की कारकर्दगी और तासीर को बढ़ाना और पंचायतों की सरगर्मियों में आम आदमी की शिरकत को बढ़ाना है। पंचायतों को फैसला लेने और जमहूरी तौर पर जिम्मेदारी लेने के काबिल बनाना, पंचायतों की मालूमात और सलाहितों में इजाफे के लिए पंचायतों के इदारा जाति फ्रेमवर्क को मजबूत करना है। तिहत्तरवीं आयनी तरमीम के रूह के मुताबिक पंचायतों को इख्तियारात और जिम्मेदारियां सौंपना, पंचायती राज निजाम के तहत अवामी शराकत, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और आयनी निजाम के पंचायतों को बाइख्तियार बनाना। पंचायत एवॉर्ड देही हिंदुस्तान की तब्दीली के लिए फील्डशिप स्कीमों को मुयस्सर नफाज में पंचायत अहम किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क में पंचायती निज़ाम में कई नुमाया कारकर्दगी दिखने वाले हैं और ऐसी पंचायतों और पंचों की शनाख्त और हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हुकूमत हिंद साल 2011-12 से रियासती हुकूमतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सिफारिश के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पंचायतों को फ़रोग दे रही है। ये एवॉर्ड हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाली कौमी पंचायती राज के दिन दिया जाता है। पंचायत मुताला अदालती ऐलान से मुताल्लिक पंचायत राज, रियासत पंचायत राज एक्ट वगैरह चेक करें। PESA एक मरकजी कानून साजी जो पंचायत की दफात में तौसे करती है, जैसा कि हिस्सा 9 शेड्यूल एरियाज के लिए तश्कील दी गई बाज तरामीम में मुस्तशना है। IPKP पंचायती राज निजाम के लिए एक सरशार मरकजी इल्म का जखीरा। FFC पंचायती राज निजाम के लिए एक सरशार मरकजी इल्म का जखीरा। अच्छा वसीम, क्या आप लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का बुनियादी मकसद रियासती महकमों को नई बनने वाली पंचायतों लोकल बॉडीज के साथ डायरेक्टरी शुरू करने, पंचायतों की तंजीमें नौ, देही से शहरी इलाके में तब्दीली वगैरह की सहूलियात फराहम करना है। आप बिल्कुल ठीक हैं वसीम, आओ तमाम गांव वालों को इसके बारे में तफसील से बताएं। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी को मरकजी और रियासती महकमे, नई रियासतों यूनियन टेरिटरीज, नई इजला, नई जेली इजला, नई देहात और नई बल्दियाती इदारों के साथ साथ उनकी हैसियत के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का जायजा। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का बुनियादी मकसद रियासती महकमों को नई बनने वाली पंचायतों लोकल बॉडीज डायरेक्टरी के साथ अपडेट करना, पंचायतों में तंजीमें नौ और देही से शहरी इलाके में तब्दील करना वगैरह को सहूलत फराहम करना और आवामी डोमेन में इसी तरह की मालूमात फराहम करना है।
लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी की अहम खसूसियात। हर लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए एक मुनफरिद या मुनफरिद कोड की तश्कील। हर लोकल गवर्नमेंट बॉडी को एक मुनफरिद या मुनफरिद कोड तफवीज किया जाता है। देही इलाकों के साथ मशरिकी और ग्राम पंचायत की नक्शा साजी के लिए बल्दियाती इदारों की बहाली और तश्कील शुदा ज़मीन के इदारों के साथ उसकी नक्शा साजी। रियासत भर में आम इंतखाबात और ज़मनी इंतखाबात के अमल को बरकरार रखने की सहूलत। हुकूमत का हुक्म, डायरेक्टरी में हर तरमीम का हुक्म ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शाये होने वाले सारिफीन का डेटा मुस्तनद है। तारीखी डेटा का देखभाल, जब LGD में तरमीम होता है तो पुराने डेटा महफूज किए जाते हैं। रियासत के मखसूस लोकल गवर्नेंस सिस्टम को बरकरार रखने की फराहमी। आप जानते हैं वसीम, भारत की देही मकामी हुकूमतें हुकूमत की वह इकाई है जो देही आबादी के करीब तरीन है। रियासत में तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मुल्क मरकजी और रियासती हुकूमतों ने हमेशा पंचायत को मजबूत किया है। हाँ, ठीक कह रही हो, पंचायतें मकामी इलाकों को तरक्की दे रही है। ऑनलाइन पोर्टल जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। हाँ, सरकारी महकमों, इदारों और कारपोरेशनों के दरमियान उलझन को खत्म करने के लिए पंचायती राज की वजारत ने मुल्क की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन एडिट कराने का फैसला किया है। ऑनलाइन ऑडिट, ये क्या है नूर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे इसके बारे में तफसील से बताओ ना। बताती हूँ वसीम, यहाँ तक कि हमारे गांव वालों के लिए भी इस मौजू के बारे में नहीं जानते। यह मौजू उनके लिए भी और हमारे सरपंच के चाचा के लिए भी अहम है, लिहाजा आप सब इस मौजू को गौर से सुनेंगे। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो सेशन के अख्तिताम पर जरूर पूछें। अब मैं आपको ऑनलाइन ऑडिट के बारे में बताती हूँ। बल्दियाती इदारों का ऑनलाइन ऑडिट। हाल ही में पंचायती राज की वजारत ने मौजूदा माली साल 2020-21 के लिए मुल्क की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट कराने का फैसला किया है। यह अमल वजारत की तरफ से तैयार करदा ऑडिट ऑनलाइन ऐप के जरिए किया जाएगा। ऑनलाइन ऑडिट क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऐप है जो पंचायती इंटरप्राइज सूट के एक हिस्से के तौर पर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है, जो कि पंचायती राज की वजारत ने शुरू किया है। ये पंचायत, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज और महकमों के तीनों सतहों पर ऑडिटरों के जरिए अकाउंट्स की माली ऑडिट की सहूलत फराहम करता है। ये न सिर्फ अकाउंट्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सहूलत फराहम करता है, बल्कि ऑडिट टीम में शामिल तमाम ऑडिटर से मुतालिक इन्वेंट्री के माजी के रिकॉर्ड को बरकरार रखने के मकसद को भी पूरा करता है। इसके अलावा ये मालूमात अवामी डोमेन में और दिगर एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए भी दस्तियाब है। ऑनलाइन ऑडिट का मकसद। इस अमल के पहले मरहले में मुल्क की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20 का अहाता किया जाएगा। मौजूदा माली साल के दौरान
ऑनलाइन ऑडिट के लिए तकरीबन 50,000 पंचायतों का अहाता किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा आने वाले माली साल 2021-22 में मुल्क भर में तमाम पंचायतों को उसमें शामिल किया जाएगा। मौजूदा पिछले साल में पंचायतों के अकाउंट्स का ऑडिट इस बात पर मरकूज रहेगा कि उन्होंने फाइनेंस कमीशन की तरफ से मिलने वाले ग्रांट्स को किस तरह इस्तेमाल किया है। पंद्रहवीं फाइनेंस कमीशन ने देही बल्दियाती इदारों के लिए तकरीबन 60,700 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की थी, जो कि पिछले साल 14वीं फाइनेंस कमीशन के जानिब से मुख्तस रकम के बराबर थी। ऑनलाइन ऑडिट के फायदे। हालिया दिनों में वबाई इमराज के दौरान लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन ऑडिट जिस्मानी तस्दीक के ऑप्शन के साथ ज्यादा मुतालिका है। ऑफलाइन सिस्टम में डेटा की बरवक्त दस्तियाबी एक बड़ा मसला था। ऑनलाइन ऑडिट डेटा तक रसाई की सहूलत फराहम करेगा, जिसकी निगरानी जिले, रियासती और मरकजी सतह पर की जा सकती है। इसके अलावा पहले किए गए कामों की तस्वीर अपलोड करके प्रोजेक्ट्स का जिस्मानी मुआयना करना मददगार साबित होगा। ऑनलाइन अमल में ऑडिटर टैक्स कबूलियत और अदायगी से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात ऑनलाइन देख सकेंगे। अगर ज़रूरत हो तो पंचायतों से इजाफी दस्तावेजात का मुतालबा भी कर सकती है। ऑनलाइन ऑडिट के लिए आगे की राह। अगर पंचायतें इन तमाम कामों को अंजाम देती है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुयस्सर अंदाज में, तो मालूमात और टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल की ज़रूरत है। ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व प्रोग्राम का आगाज इस मकसद की निशानदेही करता है। मजीद डिजिटल तौर पर शामिल मुआशरा बनाने की सख्त ज़रूरत है, जहां देही आबादी का एक बड़ा तबका टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके और आज़ादाना तौर पर खिदमात और मालूमात का इश्तराक और इस्तेमाल कर सके और तरक्की के अमल में ज़्यादा मुयस्सर तरीके से हिस्सा ले सके। ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 के मुताबिक होगा। अच्छा, अब मैं समझ गया नूर। ऑडिट टीम ऑडिट के काम को ऑनलाइन अंजाम देती है और इससे ऑडिट के काम को किसी भी वक्त सुपरवाइजर के स्तर पर देखा जा सकता है। हाँ, आप ठीक समझे वसीम। क्या हमारे गांव वाले समझते हैं? इनकी राय में हमारे लिए बहुत अहम है। उनके ताशरात के बगैर हमारा सेशन मुकम्मल नहीं होगा। हाँ हाँ, उन्हें पूरी मालूमात मिल रही होंगी। यहाँ तक के मैंने चुटकी, तिजिया, भूरी और गुड्डू को कल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहा। मीटिंग में हिस्सा लेकर हमें बहुत सी नई मालूमात मालूम हुई। उसके साथ साथ गांव में होने वाली सरगर्मियों की तफसीलात भी दस्तियाब हैं। इसलिए मैं तमाम इजलासों में शरीक होता हूँ। वाह वसीम, आप होशियार हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हुकूमत तमाम कामों के लिए कई सरकारी खिदमात के पोर्टल मुहैया करा रही है और कई पोर्टल पर काम जारी है? नहीं नूर, मुझे नहीं मालूम कौन सा पोर्टल है। फिर मुझे ये भी बताओ, क्या वो हमारे गांव जम्मू कश्मीर में भी दस्तियाब होंगे? देखो वसीम, ऐसे कई पोर्टल हैं जो सरकारी खिदमात के बारे में आसानी से बताते हैं, जैसे MOPR
ई पंचायत पंचायत इंटरप्राइज सूट के तहत ई पंचायत दरखास्तों के लिए एक पोर्टल। MOPR ने मुल्क भर में पंचायती राज इदारों में ई गवर्नेंस मुतारिफ कराने और उसे फरोग देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। ई गवर्नेंस के इकदामात को मुयस्सर तरीके से अपनाने के लिए PRI के मुतालिका सलाहितों की तामीर करें। इस प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइज सूट है जो 11 अहम मुश्तरका एप्लीकेशंस पर मुश्तमिल हैं। फिलहाल पंचायत इंटरप्राइज सूट को 10 अहम मुश्तरका एप्लीकेशंस के साथ तैनात ऑपरेशनल किया गया है और GIS लेवल के मॉड्यूल तसव्वुर के तहत हैं। इसके साथ तमाम रियासतों में उन दरखास्तों को अपनाने की हैसियत मिल सकती है। MOPR इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल पंचायत से मुताल्लिक तमाम मालूमात का पोर्टल। वजारते खजाने की तरफ से जारी फंड्स के इजरा और इस्तेमाल के लिए हिदायत में कहा गया है कि FFC अवार्ड के तहत कोई भी अखराजात अदा करने से पहले रियासती कवानीन के मुताबिक बुनियादी खिदमात की फराहमी के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जरूरी है। लिहाजा FFC ने GPDP को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी है जिसमें माली इस्तेहकाम फराहम करने और निचली सतह पर मुयस्सर मंसूबा बंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। ये MIS इस रियासत का जायज़ा लेने के लिए तैयार किया गया है कि उस वक्त मंसूबा बंदी किस मरहले पर है। वजारत पंचायती राज सेक्टर वाइज FFC ग्रांट अखराजात रिपोर्ट साल। वजारत खजाने की तरफ से जारी करदा हिदायत की बुनियाद पर वजारत पंचायती राज ने ग्रांट्स के इस्तेमाल के लिए तफसीली रहनुमा खतूत जारी किए। सिर्फ शराकती ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की तैयारी के जरिए चौदहवीं फाइनेंस कमीशन के तहत ग्राम पंचायत को फराहम करदा फंड्स उन बुनियादी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसा कि FFC के रहनुमाई खतूत में है। ये रिपोर्ट FFC ग्रांट के सेक्टर और अखराजात को जाहिर करती है। इसके साथ एतराजाफ का तस्विया भी ऑनलाइन होगा। एतराजाफ को हल करने में वक्त लगता है और कई बार रिपोर्ट को इस बहाने लटका कर रखा जाता है, इसलिए दूसरे मरहले में हुकूमत डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ नूर, और दूसरा मरहला सूती टाइपिंग की तैयारी कर रहा है जिसके तहत ई दस्तखत की फराहमी भी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद मजाज अथॉरिटी खुद दस्तखत के साथ रिपोर्ट को ऑनलाइन तस्दीक कर सकेगी। डिजिटल के जरिए बहुत से काम आसान हो गए हैं, है ना नूर? लेकिन क्या आप जानते हैं वसीम, इसके लिए बहुत सी हिदायत हैं। क्या हिदायत है नूर, आप मुझे भी बताएं ना। पॉलिसियां और हिदायत। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
वजारत इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे डिजाइन किया, तैयार किया और मेजबानी की गई है। ये साइट आम लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए तैयार की गई है। इस साइट के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके मुख्तलिफ गिरोहों तंजीमों के बारे में काबिल एतमाद जामे दुरुस्त मालूमात फराहम करने की कोशिश की गई है। हुकूमत हिंद के दिगर पोर्टल वेबसाइट्स के हाइपरलिंक्स मुख्तलिफ जगहों पर दस्तयाब किए गए हैं। इस साइट का मालूमाती मवाद महकमा के मुख्तलिफ गिरोहों और डिवीज़नों की मुश्तरका कोशिशों के नतीजा है। हमारी कोशिश है कि ये साइट मालूमाती मवाद, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की करती रहे और तरक्की करती रहेगी। इंफॉर्मेशन कंटेंट ड्यू पॉलिसी एप्लीकेशन PDF फाइल जो एक नई विंडो में खुलती है। एप्लीकेशन PDF फाइल जो इंफॉर्मेशन कंटेंट रिगार्डिंग पॉलिसी एक नई विंडो में खुलती है। मवाद RQ पॉलिसी, हक व अशात की पॉलिसी, हाइपर लिंक्स की पॉलिसी, राजदारी की पॉलिसी। मवाद की शराकत, इर्तदाल और मंजूरी की पॉलिसी। नीलैंड के मुख्तलिफ शोबों से मजाज मवाद मैनेजर्स की तरफ से मवाद को मुसलसल तआवुन करने की ज़रूरत है, ताकि इंसानियत बरकरार रहे और मुतालिका मेटा डेटा और मतलूबा अल्फाज के साथ मेयारी बनाया जा सके। पोर्टल पर मवाद एक मुकम्मल लाइफ साइकिल अमल से गुजरता है, जिसमें शामिल है तामीराती, तब्दीली, मंजूरी, इख्तियार, शाये करना, ख़त्म, खाका निगारी। एक बार मवाद की शराकत हो जाने के बाद उसे वेबसाइट पर शाये होने से पहले उसे मंजूर और चलाने की ज़रूरत है। एतदाल कसीर सतही हो सकता है अगर मवाद किसी भी मरहले पर मुस्तरद कर दिया जाता है, तो इसी नज़रसानी के लिए मवाद के खालिक को वापस भेज दिया जाता है। मवाद के मुख्तलिफ अनासुर को दर्जा बंदी किया गया है। रूटें वो सरगर्मियाँ जो किसी काम या अमल के आम हिस्से के तौर पर अंजाम दी जाती है। तरजीह वो सरगर्मियाँ जो किसी काम या अमल के एक लाजमी हिस्से के तौर पर अंजाम दी जाती है। एक्सप्रेस ऐसी सरगर्मियाँ जो किसी काम या अमल के सबसे अहम हिस्से के तौर पर अंजाम दी जाती है। मवाद का जायजा लेने की पॉलिसी। वेबसाइट तंजीम की तरफ से आम लोगों को फराहम की जाने वाली मालूमात को फैलाने का एक अहम जरिया है, इसलिए ज़रूरी है कि वेबसाइट पर मौजूद मवाद को मौजूदा और खफिया रखा जाए, और इसीलिए मवाद के जायज़े की पॉलिसी की ज़रूरत है। चूँकि मवाद का दायरा बहुत बड़ा है, मुख्तलिफ मवाद के अनासुर के लिए मुख्तलिफ जायज़ा पॉलिसियां मुतय्यन की गई है। मवाद RQ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट GIGW
के लिए हिदायत में कहा गया है कि मयार ख़त्म होने वाला या पुराना मवाद वेबसाइट पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस शोबे की तरफ से इख्तियार करदा मवाद की आरक्यू पॉलिसी के मुताबिक मवाद को उसके मयार ख़त्म होने की तारीख के बाद साइट से हटा दिया जाएगा। हम डेटा को आरक्यू पेज पर मुंतकिल किया जाए, इसलिए मवाद की शराकत दारों को वक्तन फवक्तन मवाद की दोबारा तस्दीक तरमीम करनी चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ख़त्म शुदा डेटा साइट पर मौजूद है या नहीं। जहाँ कहीं भी मवाद को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर को उनके आरक्यू हटाने के लिए मुनासिब मशवरे भेजे जा सकते हैं। हर मवाद का जुज़ मेटा डेटा सोर्स और मेयार की तारीख के साथ होता है। कुछ अज्जा के लिए तौसीक की तारीख मालूम नहीं हो सकती, यानी अज्जा को हमेशा के लिए कहा जाता है कि इस मंजरनामे के तहत मियाद की तारीख 10 साल होनी चाहिए। कुछ अज्जा जिसे ऐलानात टेंडर्स के लिए सिर्फ वही लाइव मवाद वेबसाइट पर देखा जाता है जिसकी मियाद मौजूदा तारीख के बाद होती है। दूसरी अज्जा जिसे दस्तावेजात, मंसूबों, खिदमात, फॉर्मों, वेबसाइट और राबता डायरेक्टरियों के लिए मवाद का जायज़ा लेने की पॉलिसी का वक्तन फवक्तन जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हक़ो अशात की पॉलिसी। मेल भेजकर मुनासिब इजाज़त लेने के बाद इस पोर्टल में दिए गए मवाद की कॉपी मुफ्त तैयार की जा सकती है। ताहम मवाद को सही तरीके से कॉपी किया जाएगा और गैर इस्तेमाल शुदा शक्ल में या गुमराह कुन सियाक़ो सबाक में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जहाँ भी मवाद इस्तेमाल किया जाता है या दूसरों को जारी किया जाता है, ज़रिए को वाज़ह तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इस मवाद को कॉपी करने की इजाज़त उस मवाद के मामले में लागू नहीं होगी जो किसी तीसरे फरीक के ज़रिए कॉपीराइट हो। इस तरह के मवाद को कॉपी करने का इख्तियार मुतालिक मुहक्किमों कॉपीराइट होल्डर्स के हासिल किया जाएगा। हाइपरलिंक पॉलिसी। आप इस वेबसाइट पर कई मकामात पर दूसरी वेबसाइट पोर्टल के लिंक देखेंगे। ये लिंक्स आपकी सहूलत के लिए दिए गए हैं। मुंसलिक वेबसाइट की मालूमात और मवाद उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जरूरी नहीं कि इसमें जाहिर किए गए ख्यालात के अक्कासे करें। इस पोर्टल पर महज दस्तयाबी या उनकी लिस्टिंग से ये जाहिर नहीं होता है कि उनकी तस्दीक की जा रही है। हम इस बात की जमानत नहीं दे सकते कि ये लिंक्स हमेशा काम करेंगे और लिंक शुदा सफहात की दस्तयाबी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। राजदारी की पॉलिसी। वेबसाइट खुद ब खुद आपकी किसी भी मखसूस जाती मालूमात पर कब्जा नहीं करती है, जैसे आपका नाम,
फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपको मुख्तलिफ तरीके से शनाख्त करने की इजाज़त देता है। अगर वेबसाइट आपकी ज़ाती मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त करती है तो आपको ऐसी मालूमात इकट्ठा करने की मखसूस मकसद से आगाह किया जाएगा और आपकी ज़ाती मालूमात के तहफ्फुज़ के लिए मुनासिब अक़दामात किए जाएंगे। हम फरोख्त नहीं करते या ज़ाती तौर पर काबिले शनाख्त मालूमात फराहम करते हैं जो कि रज़ाकारना तौर पर वेबसाइट पर किसी तीसरे फरीक को फराहम की जाती है। इस वेबसाइट पर फराहम करदा कोई भी मालूमात नुकसान, गलत इस्तेमाल, गैर मजाज रसाई या इनकशाफ, तब्दीली या नुकसान से महफूज रहेगी। हम सारिफ के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठा करते हैं जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, डोमेन नेम, ब्राउज़र की किस्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, सफहात देखने की तारीख और वक्त। जब तक हमें इस साइट को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नज़र नहीं आती है तो हम इन पत्तों को अपनी साइट पर आने वाले अफराद की शनाख्त से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आप समझ गए हैं वसीम, किस तरह तमाम वेबसाइट को महफूज तरीके से बनाया गया है। इसमें शामिल कोई भी डेटा किसी सरकारी इजाजत के बगैर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, मैं समझता हूँ नूर, और हमारे देही बाशिंदे भी जरूर समझ गए होंगे कि वेबसाइट और पोर्टल की मौजूदगी की वजह से उन्हें बहुत सी सहूलियात भी मिलेंगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ई गवर्नेंस में हमारी पंचायत का किरदार कितना अहम है। पंचायतों का किरदार अहम है क्योंकि हुकूमत ने तमाम पंचायतों को ई फॉल करने के लिए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे इनका काम ज्यादा मुअस्सर और शफाफ हो जाएगा। पंचायतों में ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत ई पंचायत MP के जरिए पंचायतों में ई गवर्नेंस के हुसूल का मुतालिबा किया गया है। ट्रेनर्स की तरबियत, मॉडल PRI के ओहदेदार को निचली सतह की तरबियत फराहम करने के लिए अपनाया गया है। पंचायती राज के वजारत पंचायत इंटरप्राइज सूट एप्लीकेशन पर तरबियत देने के लिए तरबियत याफ्ता फैकल्टी भी मुहैया कर रही है और रियासतों को मास्टर ट्रेनर्स का एक कीडर बनाने का मशवरा दिया है। अब तक तकरीबन 20,000 अफसरान को तरबियत दी जा चुकी है। पंचायती राज इदारों के ओहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों को बुनियादी ICI ख्वानदगी की तरबियत देने के लिए तरबियत भी दी जा रही है। अब तक 14 रियासतों में 4500 ओहदेदार और मुंतखब अरकान को तरबियत दी जा चुकी है। किसी भी स्कीम की कामयाबी और तसलसल का इन्हिसार आवाम की तरफ से उस मंसूबे को अपनाने और उसकी शिरकत पर है, इसलिए हर सतह पर आवामी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। आएगा। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि हमारे गाँव के लिए ई गवर्नेंस कितनी अहम है और इसमें सभी गाँव वालों की शिरकत होनी चाहिए। जी हाँ, और गाँव के तमाम लोगों को सरपंच चाचा से तमाम मालूमात हासिल करनी चाहिए। और अगर आप इस सेशन से मुतालिक कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी तफसील से समझ लेंगे। इसलिए तो कहते हैं गाँव डिजिटल हो गया। आपका ख्वाब पूरा हुआ। ई गवर्नेंस की आमद के साथ आपका काम तेज हुआ। जय हिंद, जय भारत।